वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में आज जिला के आईपीएस को एक मेमोरेंडम देते हैं ताकि एमएम सुतार और डीएस काजी और बहुत सारे यहां पर लोग भी मौजूद है ये एसपी ऑफिस के आगे, ताकि यहां पर जात धर्म पर जो चलने वाले पुष्पेंद्र है, जो मुसलमानों के खिलाफ ही इनके भाषण होते हैं, ताकि सुकून और अमन के शांति से रहने वाला ये विजयपुर, सूफी संतों का शहर ये विजयपुर में, ऐसे व्यक्ति को आप अगर अनुमति देंगे तो यहाँ पर कुछ दंगा फसाद होने के भी संभव होते हैं। तो इससे पहले अगर मुसलमानों को ठेस पहुंचने से पहले यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाई भाई जैसे हैं, यहाँ पर कुछ लोग आकर भाषण कर तो चले जाते हैं, मगर यहाँ पर एक दूसरे के मोहब्बत में फूट पड़ती है ऐसे आने वाले व्यक्तियों से। अगर आएंगे भी कोई ऐतराज नहीं, मगर जात धर्म मजहब पर कोई भी भाषण ना करे, क्योंकि अब यही सोच समझकर यहाँ पर एमएम सुतार सीनियर वकील और डीएस काजी भी यहाँ पर, ये भी एक जाने माने वकील है, आज इन्होंने ये सोचकर आते हैं ताकि विजयपुर के जिला के आईपीएस को एक मेमोरेंडम इसलिए दे देते हैं ताकि इनको परमिशन देने से पहले कुछ कानून के चौकट में अगर दायरे में रहेंगे तो बेहतर रहेगा, अगर ना आएंगे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि यहाँ पर जो सूफी संतों के शहर में जो यहाँ पर भाई भाई जैसे है, हर हिंदू मुसलमान सब ऐसों को दिल को किसी के ठेस ना पहुंच जाए, ताकि ऐसे जो मुसलमानों के विरोध जो भाषण करते हैं ऐसे को ना आने दे। तब तो यहाँ पर एक नामी चलते फिरते भगवान कहते हैं श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी, आज उनकी भी नाम लेते हैं एमएम सुतार सीनियर वकील, ताकि जब चलते फिरते भगवान इस विजयपुर शहर में जब इतना नाम लाते हैं तो सोचो ऐसे सूफी संतों के शहर में तो सुकून और अमन और शांति ही रहना चाहिए, ये सच कहते हैं, ताकि हमारा देश ही सुकून और अमन शांति से ही रहे। हम दिखाएंगे एक रिपोर्ट में। पंद्रह अगस्त के दिन शाम में 5 बजे हमारे जो जहर उगलने वाले नेता हैं, क्या नाम है, पुष्पेंद्र जो है बीजापुर को आ रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि हर जगह बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, और जब हमने एसपी साहब से वो कहा कि उनको आने के लिए रोका जाए तो बगैर परमिशन के वो आ रहे हैं, अभी तक भी उनको परमिशन नहीं मिली है, इसलिए हमारा एसपी साहब से ये इल्तिजा है कि उनको परमिशन ना दें। और बीजापुर में एक बीजेपी का एमएलए रहते हुए भी यहाँ हिंदू मुस्लिम का कभी दंगा नहीं हुआ है और नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, और 2-3 मरतबा एक बीजेपी एमएलए को चुनकर आए उसमें हमारे लोग भी जो है वोट डाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे, इसको बरकरार रखना है। ऐसे लोग जो आके फसाद कराने की नीयत से पता है कि एमपी का इलेक्शन नजदीक आ भेज कर जो है फसाद की इब्तदा यहाँ भी करना है, इनका ऐसा एक इंटेंशन है ऐसा लगता है, इसलिए हमारा हम भाई भाई की तरह जो रहे हैं आगे रहेंगे और एसपी साहब उनको परमिशन नहीं देंगे, इसी इल्तिजा के साथ हमारे सब हम लोग यहाँ पर मिले हैं। हमारे साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब रिटायर्ड मिस्टर सिंधी साहब हैं, पीएम सिंधी साहब हैं, और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं जनाब काजी साहब, SDPI के प्रेसिडेंट, APCR के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे द्राक्षी साहब SDPI के प्रेसिडेंट हैं, यानी जो सोशल एक्टिविटीज़ में हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में सब लोग जो कौम का दर्द रखने वाले, जिसके दिलों में कौम का दर्द है, कौम को कुछ नहीं हुए ना कुछ कौम को तकलीफ ना हो, इस बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम सब जो है आज यहाँ पर आए हैं और SP साहब से इल्तजा किए हैं, और सब हम काजी साहब हमारे BM सिंधी साहब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, द्राक्षी साहब जो SDPI के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट जनाब BM सिंधी साहब,
और हमारे खास दोस्त इसाक बागीवाड़ी साहब जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, और बहुत सारे लोग जो कौम का दर्द रखने वाले हैं यहाँ पर आकर जो है एसपी साहब से ये इल्तिजा किए हैं कि कल जो है उनका प्रोग्राम ना हो। और जिस तरह से बीजापुर में शांति आज तक रही है, ये शांति कायम रहे, ये हमारा मंशा है और दूसरा कुछ नहीं है। एमएम सुतार और मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसपी ऑफिस में यहाँ मिलने के लिए आए हुए थे क्योंकि यहाँ पर पुष्पेंद्र नाम का जो व्यक्ति आने वाला है बीजापुर में 15 अगस्त को, वो हर तरफ उसके वीडियोज़ वायरल हो चुके हैं कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट बात करता है हमेशा, और उसके स्पीचेस जो है मुस्लिम के खिलाफ आते रहते हैं। इसलिए वो यहाँ पर आकर माहौल को ख़राब करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजापुर में जो है, ये बीजापुर एक ऐसी सिटी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं और एक दूसरे को जो है आपसी मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ और आपस में मेल मिलाप के साथ रहते हैं। ऐसे बीजापुर सिटी में आकर वो फिर वो देख रहे हैं कि वो आकर यहाँ पर आग लगाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आने से पहले इसको रोकने के लिए हमने एक लेटर दिया है एसपी ऑफिस को यहाँ पर, कि उसको यहाँ पर आएगा तो उसको परमिशन मत दो बोल के पहले, तो अगर परमिशन भी देंगे, अगर वो हेट स्पीच वगैरह नहीं करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है बीजापुर है, पूरे हिंदुस्तान जो है एक ऐसा हमारा शहर है, पूरा हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है हमारी, जहाँ पर मुस्लिम सिख ईसाई फारसी सब मिलजुल कर एक ही गुलदस्ता है, जहाँ पर हर नमूने के फूल यहाँ पर खिले रहते हैं। ऐसे फूलों को तोड़कर कांटे बिखारने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर आने से पहले उसको रोक दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जो है फसादात बर्पा हो रहे हैं, कि ऐसे लोगों की वजह से जो हेट स्पीचेस देकर मुसलमानों के खिलाफ बातें कर जो है हिंदुस्तान को, एक सेकुलर मुल्क है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर कोई को बोलने की आज़ादी है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका ये मतलब नहीं कि कोई मन में आए कि हेट स्पीच किया जाए। इसके लिए अब यहाँ पर जो है सीनियर एडवोकेट सुधार साहब भी हैं हमारे साथ, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी हैं, एसडीपीआई के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, और हमारे सिंधगी साहब भी हैं, और मैं भी बीजापुर का एपीसीआर का प्रेसिडेंट भी हूँ काजी बोलकर, जो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को यहाँ पर आने न दिया जाए, कानून के दायरे में रहकर काम करना दें। इनको परमिशन भी अगर देंगे नहीं दिए हैं तो इनको कैंसिल किया जाए। डीएस काजी एडवोकेट बीजापुर, प्रेसिडेंट एपीसीआर। आज शहर बीजापुर में एसडीपीआई के एक डिस्ट्रिक्ट टीम के जानिब से और दीगर प्रगतिपर संगठन और हमारे एमएम सुतार चाचा जो कि एडवोकेट हैं और इनकी एक पूरी टीम हमारे काजी साहब के साथ सभी लोग मिलकर आज एसपी साहब को जो है एक मनवी देने आए थे, जिसका मकसद यह था कि 15 अगस्त के दिन जो है यहाँ पर पुष्पेंद्र नामी एक जर्नलिस्ट जो कि हमेशा से अपने स्पीच के अंदर एक जहर उगलता रहता है, उस शख्स को जो है बीजापुर में आने के लिए जो है रोका जाए, क्योंकि ये हमेशा से एक कम्युनल जो है एक कम्युनल अप्रोच और दूसरा एक जातिवाद को बढ़ावा देने की जो है अपने स्पीच के अंदर जो है ये बातें करता है, और एक खास तौर से कुरानी आयतों को निकालकर उसका एक गलत ट्रांसलेट करके उसके लोगों के जहनों में जो है उसे भरने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा शहर बीजापुर में जो है एक अल्लाह का एहसान और करम है कि यहाँ पर एक सूफी संतों का शहर है, जिसमें यहाँ पर राम और रहीम जो है एक साथ अपने गाड़ियों में घूमते हैं, एक साथ जो है अपने एक बर्तन में जो है खाना खाते हैं। ऐसे माहौल को जो है बिगाड़ने की कोशिश जो की जा रही है, इसके खिलाफ हम लोगों ने जो है एसपी साहब को जो है मनवी दी है, और एसपी साहब ने भी हमें विश्वास दिलाया है इस बात का कि आने से रोका जाएगा, क्योंकि वो विदाउट परमिशन है और कहीं पर भी इनका एक लीगल वे में ये लोग नहीं जाते, और विदाउट परमिशन जो ये आ रहे हैं उनको रोका जाएगा, और इस किस्म का कोई हरकत अगर जबरन की जाएगी तो उन पर 100 मोटर केस भी तक जो है एसपी साहब की जानिब से जो है दाखिल किया जाए। हम लोगों ने यहाँ तक भी जो है एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया है। बस हमारा यही इल्तिजा है अवाम से भी कि ऐसे आने वाले और जहर उगलने वाले आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बीजापुर के अवाम को इस बात को समझना है और होशियार रहना है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दिया जाए और अपने भाईचारे को जो है हमेशा के लिए जो है कायम रखा जाए, क्योंकि हम लोग जो है हमेशा से बचपन से इस चीज़ को देखते आए हैं कि बीजापुर शहर में जो है बहुत ही अमन और शांति का जो है माहौल यहाँ पर रहा हुआ है, और इसी तरह से इंशाल्लाह इस माहौल को हम बरकरार रखेंगे और बीजापुर शहर एक कर्नाटका के अंदर ही नहीं बल्कि मुल्क के अंदर एक भाईचारे का मिसाल हम लोग इंशाल्लाह कायम करेंगे। मेरा नाम अताउल्ला दराक्षी, एसडीपीआई जिला सदर। आज यहाँ एसपी ऑफिस को एसडीपीआई और तमाम बीजापुर के जिम्मेदार, जैसे कि सुतार वकील हैं, हमारे रिटायर्ड जज हैं और जमात इस्लामी के यानी हिंदू मुस्लिम सभी आकर हम जो 15 तारीख को पुष्पेंद्र बोल के जो बीजेपी के एक जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर एक प्रोग्राम रखे हैं, और उनके जो भी प्रोग्राम हैं कि हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं वो, इसके लिए हम एसपी से अनुरोध किए हैं कि उनका प्रोग्राम, यहाँ बीजापुर शांत शहर है, यहाँ बसवण्णा
और सूफी संत रहने का शहर है ये। यहाँ पर हालांकि बीजेपी के एमएलए रहने पर भी हमारा बीजापुर बहुत शांत है, तो इसके लिए हम यह शांति बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वो जो प्रोग्राम उन्होंने 15 तारीख को एक इंडिपेंडेंस डे के दिन रखे हैं, वहाँ पे कोई भी गलत काम ऐसा ना हो, इसके लिए हम एसपी से अनुरोध किए हैं। एसपी भी हमने भरोसा दिए हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं देंगे हम उनके, तो इसके लिए आज आकर हम मनवी देकर बीजापुर को शांत रहने की हम एक अनुरोध करते हैं। हमारे बीजापुर के हिंदू मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करते हैं कि वो शांत और बीजापुर को आगे बढ़ाने में आपका साथ दें। अकरम माशाल्लाह।